सृष्टि पिता के वाद्य ब्राह्मी वीणा से आरंभ हुई सुरों की यात्रा ने अनेक संगीत वाद्यों को जन्म दिया। ब्राह्मी से घोषिका वीणा, फिर एक तंत्री किन्नरी, त्रितंत्री वीणा आधुनिक युग के सितार सरोद जैसे वाद्यों की जन्मदात्री हैं। सन 1825 में उस्ताद साहेबदाद खान ने सितार को कुछ बढ़ाकर उसे सुरबहार का नाम दिया। कुछ लोग उन्हीं के समकालीन उस्ताद गुलाम खान को सुरबहार का आविष्कारक मानते हैं। सुरबहार एक गंभीर वाद्य है। 20वीं शताब्दी के 50वें दशक तक सितार वादक आलाप के लिए सुरबहार का प्रयोग करते थे। मिश्रबानी अंग की सितार वादिका डॉक्टर रागिनी त्रिवेदी ने आधुनिक युग के सुप्रसिद्ध वादक श्री पुष्पराज कोष्ठी से सुरबहार के विशेषताओं पर चर्चा की। पंडित जी, आपने शुरुआत शास्त्रीय संगीत में सितार वाद्य से की थी और उसी को आप बजा रहे थे। आप हमको ये बताएं कि सुरबहार जैसे एक रेयर इंस्ट्रूमेंट को बजाने की प्रेरणा आपको कहाँ से प्राप्त हुई? वैसे तो सितार बहुत वर्षों से बजा रहा था और हमारे उस्ताद जिया मोहिद्दीन डागर, उनसे शिक्षा सितार की ही ले रहा था उस वक़्त। मगर जैसा कि पद्धति द्रुपद में कि वो गा के सिखाते हैं, तो हमको वो सिस्टम फॉलो करना है। तो वो सिस्टम फॉलो करते वक्त वो उस्ताद बता दिया करते थे कि इसमें सितार में थोड़ा सा इसकी स्पीड ऐसी हो जाएगी, सुरबहार में स्पीड में फ़र्क हो जाएगा, वीणा में और फ़र्क हो जाएगा। तो ये चलते रहा हमारा सीखते वक्त। कुछ समय पश्चात एक मौका आया, भोपाल में दुर्लभ वाद्य विनोद जब प्रोग्राम होता है, तो उस्ताद साहब ने मुझे कहा कि तुम्हें बजाना है उधर। हालांकि मैं सुरबहार नहीं बजाता था, फिर भी उस्ताद ने कहा नहीं तुम बजाओ। सुरबहार दिया उन्होंने, उस समय अभ्यास किया सुरबहार पे। मुझे अभ्यास वाद्य का करना था, बाकी पद्धति तो मालूम थी। तो वहाँ से सिलसिला शुरू हो गया, फिर उसके बाद सुरबहार भी बजाने लगा मैं। सितार बजाते समय उसकी जो शैली है, सितार में जो बंदिशें बजाई जाती हैं जी, उसमें और जब स्वर बाहर आपने शुरू किया तो उसकी बंदिशों में आपको कुछ अंतर महसूस हुआ? आपने कुछ अलग ढंग से सीखा कि वही सामग्री जो आप सितार में बजाते थे वही आपने स्वर बाहर में बजाया? बेसिकली अलाप जोड़ तो लगभग वही है पद्धति, और कुछ बंदिशें जो गायकी की होती हैं जो अगर थोड़ी फास्ट हों वो ही हम बजा सकते हैं इंस्ट्रूमेंट पे, और स्लो बंदिशें इंस्ट्रूमेंट पे तो बजेंगी नहीं। तो उस हिसाब से थोड़ा सा गतका अंग लेके हम स्लो में बजाने लगे। तो जैसे सितार में तो विलंबित तीन ताल मुख्य रूप से बजाया जाता है, तो जब स्वर बाहर आपने बजाना शुरू किया तो इसमें भी आपने विलंबित तीन ताल और फिर मध्य लय इस तरह की बंदिशें करी, या चौताल पखावज के साथ ही आपको संगत मिली? हमारे ख्याल से ये स्वर बाहर में तो पखावज के ही साथ आप बजाते हैं, तो चौताल धमार यही सारी तालें आपने इसमें की कि तीन ताल का भी प्रयोग किया? नहीं, तीन ताल तो अभी तक नहीं बजाया सुरबहार पर। अच्छा, सिर्फ
पखावज के साथ हमें हमेशा पखावज के साथ ही बजाए। ध्रुपद की बंदिशें आपने हाँ, इसमें तो ध्रुपद ढंग से जी चौताल सूलताल तिवरा धमार इन्हीं तालों में बजाया। आपके गुरुजी जिया मोइनुद्दीन जी तो बहुत विद्वान व्यक्ति थे, वो बहुत अच्छे ध्रुपद गायक भी थे, वीणा वादक भी थे, स्वर बाहर भी वो बहुत अच्छा बजाते थे। तो उन्होंने ध्रुपद जो परंपरागत तरीका है उसी शैली को फॉलो करते हुए ही स्वर बाहर में बंदिशों का प्रयोग किया, या उन्होंने खास तौर से स्वर बाहर में सितार से प्रभावित होकर के अलग तरह की बंदिशें बनाई? ध्रुपद की बंदिशें जैसे मैंने कहा कि जो कुछ तेज गति की बंदिश है वो तो हुबहू बज सकती है, मगर जो बिल्कुल धीमी गति की है वैसी बंदिशें सुरबार या किसी इंस्ट्रूमेंट पे इवन वीणा पे भी नहीं बजती हैं। तो जहाँ तक ध्रुपद का संबंध इंस्ट्रूमेंट से आता है, अलाप जोड़ बिल्कुल गायन और वादन साथ में चलता है, एक जैसा रहता है, मगर जहाँ बंदिश है जब ताल का हिसाब किताब है उस वक़्त वादन में थोड़ा सा फर्क हो जाता है। वाद्य की अपनी एक विशेषता होती है, उस हिसाब से जी बंदिशें हो जाती हैं। ये स्वर बाहर में आपको कौन कौन से परिवर्तन दिखाई पड़े? जैसे ऐसा लगता है जैसे आप जब बजाते हैं तो दो उंगलियों का प्रयोग करते हैं स्ट्राइक करते समय, और मिजराब का काम जो सितार में है वो अलग तरीके से किया जाता है, उसमें दा और रा इस तरह से प्रयोग होता है, लेकिन स्वर बाहर में दो उंगलियों का इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें आपको किस प्रकार से आपने इसका अभ्यास किया? ये बात तो खास करके वीणा की है, दोनों उंगलियों का जो प्रयोग है, और द्रा के लिए ये जो प्रयोग है इससे ज़्यादा सॉफ्ट द्रा कहीं नहीं आएगा। इस थोड़ा सा प्रयोग करके बताएं। ये जो सॉफ्टनेस है द्रा की इतना ज़्यादा वजनदार हो जाता है, ये बिल्कुल यहाँ भी इसका प्रयोग कर सकते हैं हल्के से जी। बिल्कुल सॉफ्ट रहेगा वो, जैसे साधारणतः वीणा में तो दोनों उंगलियों में मिजराब पहना जाता है जी, तो आपने एक में मिजराब पहना है और एक को यूं ही रहने दिया है, तो इसका कुछ खास विशेष कारण है? हाँ, तो इस बिना मिजराब के कहीं कहीं इस्तेमाल करते हैं उसका एक अलग इफेक्ट होता है बिना मिजराब के, जैसे इसे मेटालिक साउंड बिल्कुल नहीं आएगा जी। अच्छा, ये साउंड अलग है। जो घर्षण जो आता है मिजराब का वो एलिमिनेट हो जाता है इससे जी। अच्छा, ये वाद्य जो है ये आमतौर से जो परंपरागत स्वर बाहर हैं उससे थोड़े साइज में छोटा है, तो इससे ये क्यों छोटा किया गया है, और जो पहले के वाद्य थे जो काफ़ी बड़े थे उसमें और इसमें क्या अंतर है? आपने देखा होगा पुराने ज़माने में काफ़ी बड़े बड़े सुरभार थे जी। हाँ, मैंने तो म्यूजियम में इतने बड़े वाद्य देखे हैं कि आश्चर्य होता है कि आदमी बजा सकता है कि नहीं इसको, तो आदमी कितना ऊंचा और कितने लंबे हाथ होना चाहिए उसके। तो बात यह है, कभी कभी कुछ पीसेस सिर्फ बना के रखने के लिए होते हैं, और उस वक़्त क्या था कि इवन सितार भी काफ़ी बड़ा हुआ करता था पहले, जैसे जैसे उसकी तकनीक में इम्प्रूवमेंट हो गए तो उस तरह से अब सितार भी काफ़ी छोटे हो गए पहले के सितार की अपेक्षा, और उसी हिसाब से सुरबाहर ये आमतौर पे जो है उससे कम से कम 5 इंच छोटा है ये, इसका ये भाग जो है वो थोड़ा सा कम किया है, बाकी ये तो बड़ा ही है।
और इसमें सितार के, ये तार की भी संख्या कुछ कम या ज्यादा की हुई है। इसमें चिकारी के चार तार दिखाई पड़ रहे हैं, जी तो ये खास तौर से आपने जो लगाए हैं कि इसमें लगते ही हैं? नहीं, दो दो भी लगते हैं, जी मगर वीणा में जिस तरह से तीन इस्तेमाल होते हैं, दो दो मध्य सा और एक इनको तार किन किन स्वरों में ट्यून करते हैं? सा में ही है कि पंचम बिल्कुल। में भी है? चिकारी जी तीन चिकारी दो सा है मध्य, ये दो सा हो गए जी मध्य सप्तक, और ये तार। अच्छा, और इसके अलावा ये जो तीन मोटे तार हैं, एक तो जोड़ी का तार है, पंचम का है, और एक खरज का है जी जी, ये सितार के तार से तो बहुत मोटे हैं, और इनको, और ये बाज का जो तार है, इसको, इसका क्या नंबर है, ये किस नंबर का है तार? ये है 5.5 नंबर, साढ़े साढ़े पाँच पाँच 6 नंबर। जी, तो ये काफ़ी मोटा पड़ता है बजाने में। ये जो सितार बजाने वाले लोगों ने जो सुरबहार बजाना शुरू किया, जैसे इमरत खान साहब सुरबहार बजाते थे, और बलराम पाठक जी ने भी सुरबहार काफ़ी बजाया है, शैलीगत इसके अंदर क्या अंतर है? जो गायन पद्धति से जो बजा रहे हैं, जैसे विलायत खानी स्टाइल है, और ये लोग भी सुरबहार बजा रहे हैं, और इनके बजाने में जो गायकी का अंग आता है, जैसा आपने बताया कि अति विलंबित लय में नहीं बजाते हैं, तो वो लोग तो विलंबित तीन ताल भी बजाते हैं, और कई बार सुरबहार के साथ हमने तबला बजाते हुए भी लोगों को देखा है, तबला बजवाते हैं, तो उसमें और इसमें किस तरह का आप अंतर पाते हैं? हमारी जो ध्रुपद शैली है, हमारे जी उस्ताद की नागरवाणी जो स्टाइल है संगीत की, उसी को फॉलो करते हैं हम वाद्य प्रयोग गमक का काम उसमें ज़्यादा आप करते में। हैं? गमक का भी करते हैं मगर ज़्यादा नहीं, जहाँ जितना चाहिए उससे अति भी नहीं होना चाहिए गमक जी की भी। सपाट तानों का प्रयोग आप इसमें कर सकते हैं? कभी कर लिया, उसे रेगुलर नहीं होगा। जी अच्छा, जैसे कई बार होता है कि मीड़ के द्वारा ही तान प्रक्रिया दिखा दी जाती है, तो आपको लगता है क्या कि इसमें वो संभव है? क्योंकि सितार में और इसमें चूंकि डाँड़ भी बहुत चौड़ी है इसकी, आप ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो डाँड़ है, इसमें तार को खींचना बहुत मुश्किल काम है, तो ऐसी स्थिति में गति जो है, स्पीड है, उसमें आप किस तरह से प्रयोग करते हैं? दोनों प्रयोग करते हैं। जी थोड़ा सा आप उदाहरण दे करके बताएं। इसमें छंद का काम काफ़ी दिखाना पड़ता है जी हाँ लय के हिसाब से, जी। और गमक का काम भी जो आपने प्रयोग करके दिखाया, ये आमतौर से सितार में बहुत ज़्यादा ये काम तो कोई करता नहीं है, और इसके अंदर ध्रुपद का, खास तौर से ध्रुपद शैली का बहुत ज़्यादा प्रभाव दिखाई पड़ रहा है,
और इसमें ये कितनी खूटियां हैं, ये क्या ये तरब के तार लगे हुए इसमें? जी जी, पहले तो सुरबहार में तरब के तार शायद नहीं लगते थे कि लगाए जाते थे? ये तो तरब के तार तो बाद में लगने लगे, पहले नहीं लगते थे, इवन सितार में भी नहीं लगाते थे जी। पुराने जमाने में सितार में भी तार तरब के बाद में लगे। इसमें खूटियां भी संख्या में कुछ ज़्यादा दिख रही हैं, सितार में जैसे 7 तारों का प्रयोग होता है, इसमें अतिरिक्त ये चिकारी के 2 तार इसमें लगे हुए हैं। इसमें 8 हैं जी टोटल। जी, एक एक्स्ट्रा चिकारी है जी, बाकी वही है, मध्यम का तार है, जोड़े का सा का है, ये पंचम, ये खरज, ये पंचम स्टील है। आपने इतनी जगह बजाया है स्वर बाहर, इसके बारे में आपका क्या विचार है कि प्रचार पा रहा है ये वाद्य, लोग सीखना चाह रहे हैं, और इसको सीखने में क्या कठिनाई आती है? प्रचार की जहाँ तक बात है कि जब तक लोगों को सुनने नहीं मिलेगा तब तक प्रचार में आएगा ही नहीं, और जो सीखना चाहते हैं उनके लिए भी एक बड़ी समस्या है कि इंस्ट्रूमेंट खरीदे, पहले 35-40 हज़ार रुपये का वाद्य खरीदे, फिर उसके बाद वाद्य पर अधिकार, उसको समय लगता है। तो कुछ ये प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टी जिसको बोलते हैं वो है। ये इसमें कौन सी लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है, ये क्या क्या सामग्री? ये तो तुम्बा है ऊपर, तो इसको तो इस्तेमाल करते बिल्कुल हमारे ख्याल से ये सितार के ही मटेरियल से बना हुआ है जिससे सितार बनाते हैं जी। ये लकड़ी किस चीज़ की लगी हुई है? ये तून की लकड़ी है। तून की लकड़ी है जी। और इधर का हिस्सा, ये पूरा का पूरा वीणा, ये आकार शायद हमारे ख्याल से सिर्फ इन्होंने दिया है, और खूंटी जिससे पकड़ सके, ये भी काफ़ी चौड़ा लग रहा है। इसको सीखते समय विद्यार्थी को किस प्रकार से, क्या इसके लिए सितार का सीखना ज़रूरी है या सीधे इस वाद्य को सीखा जा सकता है? सीखा तो सीधे जा सकता है, मगर अचानक भारी चीज़ को उठाने के बजाय थोड़ी हल्की चीज़ को पहले उठाने का अभ्यास कर लें तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। इसमें अभ्यास के लिए कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता होती है और क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? वैसे तो अभ्यास सितार का हो या इसका हो, जो बेसिक जो एक्सरसाइजेस हैं जी, मूर्छना अलंकार, कुछ अलंकार आप करके बताइए कि किस तरह के अलंकार का दरअसल प्रयोग करने से सितार ये सुरबहार सधता है, और आपने कौन कौन से अलंकारों का विशेष प्रयोग किया जब आपने इसको साधा? इसमें कोई खास विशेष अलंकारों की ज़रूरत नहीं है, जो नॉर्मल अलंकार हैं वही मूर्छना है, जैसे ये मूर्छना हो गई। कुछ अलंकार जैसे तरह के हो गए, उल्टे जाएंगे, और कुछ झालों के साथ झाले, इस तरह से एक प्रयोग झाले का हम ऐसे करते हैं, इसमें मिजराब और चिकारी दोनों चलती है। अच्छा, इसमें आप चिकारी का जो प्रयोग है वो इससे लिटिल फिंगर से करते हैं, तो मिजराब से सीधा जैसे सितार में किया जाता है वैसा प्रयोग नहीं करते हैं? नहीं, जब ऐसे दोनों साथ में बजा रहे हैं तो
ये सा पे ये मिजरा बज रही और एक चिकारी बज रही, दोनों साथ में बज रहे हैं। और मिजराब से चिकारी का प्रयोग नहीं करते हैं, उसकी आवश्यकता हाँ, नहीं। ये तो पूरा मिजराब वाला काम है, पहले तार पे हो रहा है जी, और चिकारी का इस लास्ट फिंगर से हो रहा है। थोड़े से झाले की वैरायटी बताइए आप। जो विद्यार्थी आपके पास आते हैं पहले से सितार जिन्होंने सीखा है, उनके लिए तो इसमें अभ्यास करना आसान पड़ता है, लेकिन बहुत से ऐसे विद्यार्थी हो सकते हैं जिन्होंने इस वाद्य को कभी नहीं देखा और सितार भी नहीं सीखा। तो ऐसी स्थिति में जब वो आपके पास सीखने आता है तो आप उनको कौन से बेसिक ऐसे बातें बताते हैं जिससे कि वो इस वाद्य को बजाने लायक हो जाए? पहले तो उनको बैठना बताना पड़ता है, कैसे इसको पकड़ा जाए। जैसा कि बताया कि इसमें स्टैंड भी लगाया जाता है, तो अगर किसी को ज़्यादा भारी लगे तो उसको स्टैंड लगा के इस तरह से रख सकते हैं, उसका अभ्यास हो जाएगा तो फिर ऐसे पकड़ सकता है उसको भी बहुत। और फिर उसके बाद सरगम किस तरह से प्रैक्टिस करे स्लो में, जैसे इतने धीमे धीमे जी, उसको कहा जाता है कि इतने धीमे धीमे बजाओ। जब आप ये चौड़ा डांड है और इसमें हाथ का प्रयोग करते हैं बाएं हाथ का, तो ये अंगूठा भी साथ साथ सरकता है, तो इसमें कितनी तकलीफ होती है? क्योंकि ये तो पूरा फैल जाता है, ये पाम पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसमें शुरुआत में बहुत तकलीफ होती होगी। जी तकलीफ तो होती है, मगर फिर उसकी आदत हो जाती है। जैसे अभी जब खरज में बजाना है, मीड़ खींचना है, तो एक पूरा पोर्शन ये आप पड़ता है। जी जी आपने मीड़ का काम अनामिका से किया जी। इस तीसरी उंगली से आपने किया है, तो नॉर्मली तो मध्यमा से करते हैं, तो दोनों उंगलियों का प्रेशर डालना पड़ता है तब कहीं जा करके छह स्वर तक जा सकता है जी, क्योंकि इसमें इसको सपोर्ट मिल जाता है, ऐसे में ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है इसको, ऐसे खींचेंगे तो ये ज़्यादा टेंशन आता है उंगली को, इसमें उतना टेंशन नहीं आएगा।